नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज़ में आपका स्वागत है। रतिया शहर की मढ़ कॉलोनी के एक निजी स्कूल में पांचवी की छात्र ने अपने ही अध्यापक पर पीटकर घायल करने का आरोप लगाया। घायल छात्र क्रिस को परिजनों ने अस्पताल में दाखिला कराया। परिजनों ने पुलिस को ये सूचना दी। घटने की छानबीन पुलिस कर रही है। उपचाराधीन छात्र के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा शहर की मढ़ कॉलोनी के एक स्कूल में पांचवी कक्षा में पढ़ता है। उन्होंने कहा कि आज सुबह स्कूल में पढ़ने वाले एक अन्य बच्चे के पिता ने उनके बेटे के प्रति शिकायत की थी, जिसके पश्चात स्कूल के अध्यापक सोनू ने प्रार्थना के दौरान ही बच्चों की मौजूदगी में उसके बेटे को डंडे से पिटाई कर दी। आरोप लगाया है कि उसके बेटे को गहरी चोट लगने के पर अध्यापक ने छात्र को 2 बजे छुट्टी होने के बावजूद भी घर नहीं भेजा, बल्कि होमवर्क का बहाना लगाकर स्कूल में ही बिठाए रखा। छात्र की माता ने बताया कि जब उन्होंने फोन करके स्कूल से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह स्कूल में अपना होमवर्क कर रहा है, इसलिए 5 बजे उसकी छुट्टी की जाएगी। आरोप लगाया गया है कि जब वह घर आया तो वह काफ़ी रोया और अपनी चोट के निशान दबाते हुए अध्यापक पर पीटकर घायल करने का आरोप लगाया। इसके पश्चात परिजनों ने उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया। क्या कहना है रतिया के सिटी MHO का? इस संदर्भ में रतिया सिटी SHO ने बताया कि पुलिस के पास शिकायत आई है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरे बच्चे का नाम क्रिश है। मैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल मढ़ कॉलोनी रतिया देश पढ़ता है। इन्हों के प्रिंसीपल मेरे सो रहे थी, किसी बच्चे ना 2-3 दिन पहले लड़ाई हो गई सी, तो उन्होंने पेरेंट्स स्कूल आए थी, तो मैडम ने इन्हों प्रेयर के पहले तो थप्पड़ मारे, फिर इन्हों के सोनू नाम का जो सर है उस सर ने भी की मैडम कहते भी तुम यदि पिटाई करो चंकी तरह, मैं यही तो मनता नहीं। फिर सोनू सर ने 15-20 डंडे ठोके इस, फिर 8 बजे तक कुटे हुए, 4:30 बजे छुट्टी दी। मैं स्कूलों फोन करके पूछा, मैं मेरा बच्चा घर नहीं आया, कहते स्कूल पढ़ी जाता है। फिर जो आया तो जब बेहोश सी, इसमें होश भी नहीं। रतिया में गुरु नानक स्कूल उसके प्रिंसिपल ने और एक मास्टर प्रिंसिपल महेंद्र कौर व सोनू अध्यापक ने एक लड़के क्रिश को के साथ मार बताई गई है, और उसके मास्टर और महेंद्र कौर के प्रिंसिपल ने पर्चा कर रहे हैं।